सायरन आपने सुन लिया होगा, जानकारी अब हम आपको बता देते हैं। रायपुर से बीजेपी के ब्रजमोहन अग्रवाल, मोहन भैया जीत गए, और सवाल यहां भी दरअसल जीत का था नहीं, उनके सामने थे विकास उपाध्याय, टीम राहुल के वो मेंबर भी माने जाते हैं, विधायक अपनी वो बचा नहीं पाए, और ब्रजमोहन अग्रवाल न सिर्फ उन्हें मंत्री पद मिला था, विधायक बने थे, बल्कि लोकसभा का मौका भी उन्हें मिला और ब्रजमोहन अग्रवाल ने जीत हासिल की। कितने हैरत की बात है कि करीब 2 दशक पहले यही ब्रजमोहन अग्रवाल आज भाजपा के जो सबसे बड़े ब्रांड हैं उनके खिलाफ खड़े हुए थे, और आज यही ब्रजमोहन अग्रवाल जीत कर संभवतया उनके कैबिनेट में या उनके उनकी अगुवाई में संसद में बैठेंगे। रायपुर से बीजेपी के ब्रजमोहन अग्रवाल जीते और उस बात को साबित कर दिया सबसे बड़े खवैया ब्रजमोहन भैया। रायपुर से जीत हासिल कर लिया ब्रजमोहन अग्रवाल ने, और बात जीत कवासी लखमा हार गए हैं, लेकिन बड़ी खबर कवासी लखमा बस्तर से लगातार प्रचार के दौरान बहुत सुर्खियां उन्होंने बटोरी और बड़ा ये कांटे का मुकाबला लगातार चलता रहा बस्तर में। आखिरकार कांग्रेस के कवासी लखमा हारे, सामने कौन है? सामने दरअसल जो है, अगर बतौर आदिवासी आप उसे देखेंगे तो कश्यप ऐसे नजर आएंगे, बहुत सहज हैं, सरल हैं, लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे पर, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, सनातन के मुद्दे पर, जिस तरह से उन्होंने उन इलाकों में, महेश कश्यप जिस तरह से महेश कश्यप ने उन इलाकों में काम किया है, उनकी बहुत गहरी पैठ मानी जाती है। यही वजह है कवासी लखमा हार गए। कवासी लखमा ने कहा भी था, गया था दिल्ली अपने लिए बेटे के लिए बहू लेने, लेकिन यहाँ दुल्हन हमें पकड़ा दी गई, लेकिन लगता है कि दुल्हन ने ही रिजेक्ट कर दिया। महेश कश्यप जीत गए हैं बस्तर सीट से, छत्तीसगढ़ के बस्तर में कवासी लखमा की ये हार हुई है, और लगातार अब तस्वीर साफ हो रही है पूरी पूरी तरह से। रायपुर में बात लीड की थी, बस्तर में जीत की तरह देख रही थी। और जगदीश देवड़ा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं और लगातार एक्टिव भी आपको नजर आए जगदीश देवड़ा साहब, और चूंकि 29 के 29 की माला है तो उनके चेहरे पर भी खुशी है। देवड़ा साहब सबसे पहले बहुत सारी शुभकामनाएं, और आखिरकार 29 में से 29 जो आपका टारगेट था वो लगभग पूरा होने जा रहा है, आपका रिएक्शन सर? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मध्य प्रदेश में 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से, भारतीय जनता पार्टी के सारे उम्मीदवारों को चुनाव में जिताया है। मैं सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है और उनका मार्गदर्शन है और उनको जो आशीर्वाद दिया है देश की जनता ने, यह उसी का परिणाम है। और मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस बिल्कुल पूरी तरह से साफ हो गई है जी। जगदीश जी, मध्य प्रदेश में तो मिशन 29 पर आपने फतेह पा ली, लेकिन अगर हम बाकी राज्यों के रिजल्ट पर भी अगर गौर कर ले, वहां की तस्वीर भी देख ले, तो आशीर्वाद देने में जनता थोड़ी कंजूसी दिखा गई है। कुल मिला करके एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार हमने बनाई है, देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर आशीर्वाद देकर के तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित किया है, यह सबसे ज्यादा प्रसन्नता और खुशी की बात है। और तो प्रजातंत्र में जनता जो निर्णय देती है उसको स्वीकार करते हैं जी। अब हालांकि कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश हो गया, लेकिन जैसे कि अपर्णा भी जिक्र कर रही है कि देश में थोड़ी सी स्थितियां अलग बदली, खासतौर पर यूपी वगैरह में, कहां आपको लगता है कि 400 पार का नैरेटिव आपके कार्यकर्ता को थोड़ा आलस भरा कर गया देवड़ा साहब? ये राजनीतिक परिस्थितियां है, और प्रजातंत्र में जनता जो निर्णय करती है उसको मुझे लगता है कि स्वीकार करना चाहिए। ये विषय है कि भाई मंथन का विषय है, ये हम करेंगे, विचार करेंगे, लेकिन इस समय देश में फिर एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री के रूप में मार्गदर्शन करेंगे, उनके नेतृत्व में काम करेंगे, और हमारा देश विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित होगा और 2047 में विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में भारत नंबर 1 पर आएगा। यह जो संकल्प लिया है, इस संकल्प को पूरा करने में नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में काम होगा। जगदीश जी, कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश तो कर दिया बीजेपी ने, कांग्रेस युक्त बीजेपी है, और
लगातार अब तस्वीर साफ हो रही है पूरी तरह से। रायपुर में बात लीड की थी, बस्तर में जीत की तरह देख रही थी। और जगदीश देवड़ा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं और लगातार एक्टिव भी आपको नजर आए जगदीश देवड़ा साहब। और चूंकि 29 के 29 की माला है तो उनके चेहरे पर भी खुशी है। देवड़ा साहब, सबसे पहले बहुत सारी शुभकामनाएं, और आखिरकार 29 में से 29 जो आपका टारगेट था वो लगभग पूरा होने जा रहा है, आपका रिएक्शन सर? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मध्य प्रदेश में 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के सारे उम्मीदवारों को चुनाव में जिताया है। मैं सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है और उनका मार्गदर्शन है और उनको जो आशीर्वाद दिया है देश की जनता ने, यह उसी का परिणाम है। और मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस बिल्कुल पूरी तरह से साफ हो गई है जी। जगदीश जी, मध्य प्रदेश में तो मिशन 29 पर आपने फतेह पा ली, लेकिन अगर हम बाकी राज्यों के रिजल्ट पर भी अगर गौर कर ले, वहां की तस्वीर भी देख ले, तो आशीर्वाद देने में जनता थोड़ी कंजूसी दिखा गई है। कुल मिलाकर के एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार हमने बनाई है, देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर आशीर्वाद देकर के तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित किया है, यह सबसे ज्यादा प्रसन्नता और खुशी की बात है। और तो प्रजातंत्र में जनता जो निर्णय देती है उसको स्वीकार करते हैं जी। अब हालांकि कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश हो गया, लेकिन जैसे कि अपर्णा भी जिक्र कर रही है कि देश में थोड़ी सी स्थितियां अलग बदली, खासतौर पर यूपी वगैरह में, कहां आपको लगता है क्या 400 पार का नैरेटिव आपके कार्यकर्ता को थोड़ा आलस भरा कर गया देवड़ा साहब? ये राजनीतिक परिस्थितियां है और प्रजातंत्र में जनता जो निर्णय करती है उसको मुझे लगता है कि स्वीकार करना चाहिए। ये विषय है कि भाई मंथन का विषय है, ये हम करेंगे, विचार करेंगे, लेकिन इस समय देश में फिर एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री के रूप में मार्गदर्शन करेंगे, उनके नेतृत्व में काम करेंगे और हमारा देश विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित होगा और 2047 में विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में भारत नंबर 1 पर आएगा। यह जो संकल्प लिया है, इस संकल्प को पूरा करने में नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में काम होगा। जगदीश जी, कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश तो कर दिया बीजेपी ने, कांग्रेस युक्त बीजेपी भी मध्य प्रदेश में नजर आई इस लक्ष्य को हासिल करने में, लेकिन खैर इतनी बड़ी अब जीत मिली है मध्य प्रदेश के अंदर, तो जो कांग्रेसी आए हैं ना बड़ी बड़ी संख्या में आपकी पार्टी में, अब उनको एडजस्ट करने का दबाव भी तो होगा ना, क्या फॉर्मूला तैयार किया गया है? वो काम करेंगे सरकार के साथ रह करके, भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर आए हैं तो उनका स्वागत है, उनका अभिनंदन है और पार्टी के साथ मिलकर के जनता की सेवा में वो लगेंगे जी। जी, आप तजुर्बेकार नेता हैं, खास तौर पे तलवारबाजी भी हमने आपकी देखी है, लट चलाना भी हमने आपका देखा है, हालांकि ये कांग्रेस का अपना मामला हो सकता है, फिर भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक तरह से